नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार गेंद लाइव आया हूँ, जो लाइव कट जाती है मेरी, मुझे पता नहीं कि क्या प्रॉब्लम है। एक बार फिर से इंटरनेट प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो बात को पूरी करते हैं जल्दी जल्दी। मेरे दोस्तों, जो बातें करनी है, सबसे पहले बात ये करनी है कि पाकिस्तान का कुछ चेहरा आप लोगों को दिखा। पाकिस्तान के अंदर एक पाकिस्तानी पठान जो पाकिस्तान में रहता है, उसे पाकिस्तान की आर्मी ने कैद कर लिया था और उसने जेल काट के अभी कल रिलीज़ हुआ है वो जेल से, और उसने जेल में एक दो महीने गुजारे हैं। वो बेगुनाह था, उसको पाकिस्तान की सरकार ने पकड़ा हुआ था, और जब वो अभी रिलीज़ हुआ है तो उसने कुछ राज अफशा किए हैं पाकिस्तान आर्मी के और पाकिस्तान गवर्नमेंट के। पाकिस्तानी जेल में एक अफगानी पठान है जिसको आर्मी वालों ने पकड़ा है, उसका बिल्कुल पता गायब था कि वो बंदा कहाँ गायब हुआ है। अब राज बाहर आ गया है। कल जो एक लड़का रिलीज़ हुआ है, उसने सारी कहानी बता दी है कि पाकिस्तानी जेल के अंदर एक अफगानी पठान है जिसके सर में कीले ठोकी गई हैं। एक अफगानी पठान को पकड़कर पाकिस्तान की सरकार ने उसके सर पे कीले ठोकी गई हैं। तो दोस्तों, ज़रा सोचो कहाँ की इंसानियत है ये कहाँ की इंसानियत है? इतना बड़ा जुल्म, अरे मेरे भाई, इतना बड़ा जुल्म तो कोई जानवर के साथ भी नहीं करता। अरे इतना बड़ा जुल्म तो कोई किसी जानवर पे भी नहीं करता जितना जुल्म ये पाकिस्तान की सरकार लोगों के साथ करती है। जेल के अंदर उन्होंने एक पठान को पकड़ा है जो अफगानिस्तान के कुनड़ का रहने वाला है। कुनड़ हमारे अफगानिस्तान में एक सिटी का नाम है, उसे कुनड़ कहा जाता है। तो कुनड़ के एक जवान को पाकिस्तान के आर्मी ने पकड़ा है और उसको जेल में डाला है। उसका पता अथा गायब था बिल्कुल कि वो बंदा कहाँ है कहाँ नहीं है। अब जाके एक पाकिस्तानी जो खुद पाकिस्तान की सरकार के हाथों पकड़ा गया था कुछ महीने से, कल वो रिलीज़ हुआ है। उसने ख़ुद ये बयान दिया है कि जेल के अंदर एक पठान है जो अफगानिस्तान के कुनड़ का शहरी है, कुनड़ का रहने वाला है, उसके सर पे कीले ठोकी हैं इन लोगों ने। इतने ज़ालिम लोग हैं। और फिर ये लोग बोलते हैं कि यार हमारी पाक फौज जिंदाबाद, हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद। अरे ऐसे कभी भी जिंदाबाद नहीं होगा। अरे तुम लोगों का कोई भी पतन, तुम जालिम रियासत हो पाकिस्तान की रियासत। और मैं मैं उन लोगों पे हैरान हूँ जो पाकिस्तान में रहते हैं और कहते हैं यार पाकिस्तान फौज जिंदाबाद। मैं उनसे पूछता हूँ यार आप लोगों की ज़िंदगी कैसी है? आप लोग हिंदुस्तान पे हंसते हो कि हिंदुस्तान वाले गुर्बत है, ये है। अरे मेरे भाई, 22 करोड़ की तो आवाम नहीं तुम्हारी, 22 करोड़ आवाम को पानी नसीब नहीं हो रहा, रोटी नसीब नहीं हो रही, खाना नसीब नहीं हो रहा। तो मेरे भाई, जब 1.35 बिलियन लोग होंगे तुम्हारी कंट्री में, तो उनको कैसे खिलाओगे पिलाओगे मेरे भाई? अच्छा, एक मज़े की बात और बताता हूँ। ये जो कह रहे थे ना कि मुझे मोदी ने पैसे दिए हैं, मोदी जी ने, तो इनको मैं बता दूं कि भाई पैसे तो तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर भीख मांगता है, बाकायदा प्रेस मीडिया के आगे भीख मांगता है यार। वो तो मुझे पता है कि वो जब अभी अरबी लोग आया था उसके सामने कैसे उछल उछल के बैठ रहा था यार, कुर्सी साफ कर रहा था यार। या शेख करम तो पाकिस्तान, या शेख पाकिस्तान पे करम कर दे। सीटें साफ कर रहे थे ये लोग एक शेख के लिए, इधर बैठ जाओ। अबे क्या हो यार, तुम लोग लुंडे बाजार का माल हो, तुम लोग पाकिस्तानी हो। कभी चाइना के पीछे भागते हो, कभी अरबी ममलकतों के पीछे भागते हो, जहाँ से रोकड़ा नजर आया वहीं पे जंप मारते हो। अरे दोस्ती यारी भी कोई चीज़ होती है। अरे मोदी जी का दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है मोदी जी का। मैं स्पेशली मोदी जी को इतना करीब से नहीं जानता न, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो फ़िलहाल सरकार है हिंदुस्तान की, अभी फ़िलहाल हिंदुस्तान की सरकार है। अभी एक ऐलान और किया है मोदी जी ने। मोदी जी ने कहा है कि अभी अफगानिस्तान को 1-2 साल के अंदर सबसे सस्ता इंटरनेट मिलेगा, हिंदुस्तान को सबसे सस्ता इंटरनेट मिलेगा। पाकिस्तान में पता है हिंदुस्तानी भाइयों, पाकिस्तान के अंदर 1 GB नेट 1800 रुपए का है। ये जो पाकिस्तानी इधर कमेंट में गालियां देते हैं, वीडियोस बनाते हैं, या तो ये पाकिस्तान से भागे हुए हैं,
یا جو پاکستان میں رہتے ہیں نا, اماں پیسے دیتی ہے, جا کمبخت بازار سے کچھ دال لے کر آ, کچھ دال کچھ کچھ سبزی لے کر آ, وہ بندہ کیا کرتا ہے, جا کے نا 1 GB کا انٹرنیٹ ڈلوا لیتا ہے, اور پھر آ کے نا پھر پٹان بھائی کو کمنٹیں مارتا ہے, ہندوستان کے پیجوں پہ فیس بک پہ کمنٹیں مارتا ہے, اور جب گھر جاتا ہے نا اماں پوچھتی ہے وہ کمبخت سبزی نہیں لایا تو, دال نہیں لایا تو, بولتا ہے یار اماں میں نے انٹرنیٹ ڈلوا دیا, 1800 روپے کا تو پیکج مل رہا ہے. پتا ہے جو پٹان بھائی لائف آتا ہے نا, ایسے لال پیلے نیلے پڑ جاتے ہیں, اور میری ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے نا ناک کا چھوا نکال کے کھاتے ہیں جلدی جلدی. اب یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے, ویڈیو میں کیا یہ میرا اکھاڑ لیں گے, ایک گالیاں ہی دے سکتے ہیں, تو گالیاں تو دے دیتے ہیں جب تھک جاتے ہیں نا, پھر بعد میں کیا کرتے ہیں, پھر بعد میں جلدی جلدی اپنی ناک کا چھواں نکال کے جلدی جلدی کھاتے ہیں. اب ان کو پتہ ہی نہیں چلتا بھائی یہ لگ رہا ہے یہ بون ویٹا کار آئے. پاکستانی ہو, ہندوستان میں بیٹا انٹرنیٹ بالکل فری ہے, تم اگر تھوڑا ریسرچ کر لو نا, تو ہندوستان کی سرکار نے عوام کے لیے سمجھ لو کہ فری ہے انٹرنیٹ, اتنا سستا ہے. تمہارا تو ایک انٹرنیٹ کا ایک پیکج 1800 روپے کا ہے, وہ بھی بڑے بڑے لوگ لگواتے ہیں, چھوٹے لوگ جو ہے نا گھروں کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں, یار وائی فائی کا پاس ورڈ دے دے, یار بھائی دے دے نا. پتہ ہے پاکستان میں جو 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 سرکار کی جو بلڈنگیں ہیں, جو عمارتیں ہیں, اس کے آگے پاکستانی لوگ مبلا. سوری دوستو ایک کال آ گئی تھی, تو شبیر بھائی ان سے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ یہاں کرتے کیا ہو یار, یہاں پہ لڑکے لڑکیاں ساری جمع ہوئی ہوئی ہے, بھائی کیا کر رہے ہو آپ لوگ یہاں پہ؟ تو کہتے ہیں یار ہمیں یہاں کا پری وائی فائی کا سگنل آ رہا ہے یار, یہاں پہ وائی فائی چلا رہے ہیں. ہندوستان میں 3 GB کا پیکج 50 روپے کا ملتا ہے, تمہارے پاکستان میں ایک انڈا 50 روپے کا ملتا ہے, مجھے پتا ہے ایک انڈا 50 روپے کا. صبح صبح کو ایک انڈا لاتے ہیں, پوری فیملی جو ہے نا ایسا حملہ کرتی ہے, ایسا لگ رہا ہے حملہ کر دیا کسی ملک پہ. بیکاری لوگ یا پاکستانی, تو پٹان بھائی سے پنگا نہیں لے, خدا کی قسم پٹان بھائی کو تیرے سارے سب کا پتہ ہے, سب چیزوں کا پتہ ہے تم لوگ پٹان بھائی کو, تم لوگوں کا. پاکستان میں میرے بھائی جو سی وی او ہے, سی سائڈ ہے, وہاں پہ باتھ روم بنے ہوئے ہیں, ایسے گندے بھائی, ایسے باتھ روم بنے ہوئے ہیں, خالی ایک باتھ روم کی انٹری کے لیے 10 روپے لیتے ہیں. ارے بھائی دوسری کنٹریوں میں جا کے دیکھو تو سرکار باتھ روم بنواتی ہے فری میں, کہ یار اگر کسی شہری کو پیٹ میں درد بھی ہو گیا نا تو یار تھوڑا ہلکا ہو جائے گا. پاکستان والے تو دیکھ رہے ہوتے ہیں بھائی, دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی کے پیٹ پہ درد ہو جائے, 10 روپے مل جائے مجھے. اور ایک بات اور سن لو, یہ جو ماں بہن کی جو گالیاں دیتے ہو نا پاکستانی, ایک بات سن لو, اگر تم لوگوں میں غیرت ہے نا تو مردوں کی طرح آ کے بات کرو ہم سے, ماں بہن کی گالیاں نہ نکالو, ارے ہم سے ڈیبیٹ کرو بھائی, ہم سے اسپیچ میں بات کرو, تھوڑی وہ بات کرو جو حقیقت ہو. ابھی پاکستان کی جو عورتیں ہیں, میں تو ان کو گالی نہیں دے سکتا, میں کبھی بھی کسی عورت کو گالی نہیں دیتا, پر ایک بات ضرور بولوں گا, پاکستان کی عورتیں جو ہے نا جب میک اپ کر کے باہر نکلتی ہیں, اگر کسی پاکستانی نے دیکھ لیا, کسی نے چھیڑ لیا, تو کمبخت گھر میں ماں بہن نہیں ہے تمہاری, بے شرم, ایسے ویسے سنا دیتی ہے بھائی اس کو, ایسے پورا پورا پاکستان جمع ہو جاتا ہے. اگر پھر وہی لڑکی گھر سے نکلے میک اپ کا ٹرک لگا کے اپنے چہرے پہ اور کوئی لڑکا نہ دیکھے, تو گھر جا کے کیا کہتی ہے, کمبخت پاکستانی اندھے ہو گئے ہیں سارے. یار پاکستانی ہو کمال کرتے ہو تم لوگ, حیران ہوں میں یار کہاں کہاں سے پکڑوں تم لوگوں کو, یار پتہ نہیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تم لوگ انسان بھی ہو یا کچھ اور ہو. اچھا میرے بھائی میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں پاکستانیوں کو, کہ بیٹا ایک بات سن لو تم لوگ میری, تمہاری سرکار, تمہاری کنٹری, تمہارا جو بھی ہے پاکستان کے اندر,
ये एंड हो चुका है, अभी एंड हो चुका है। अभी तुम जो है ना, ये जो अरबिस्तान से जो तुम लोग भीख मांग रहे हो, कभी चाइना से भीख मांग रहे हो, चलो अरबिस्तान तो समझ में आता है कि यार चलो वो लोग मुसलमान है, चलो वो भी। तो पठान भाई ने सोचा कि यार आप लोगों से थोड़ी बातचीत हो जाए, थोड़ा लव मव हो जाए आप लोगों से। और अमित तावारी साहब, बड़ी मेहरबानी जनाब आपकी, आपको भी वालेकुम अस्सलाम, लव यू लव यू, सबको लव यू, सब फैंस के लिए लाइव आया हूँ दोस्तों। चिठान पटेल साहब आपको भी भाई जान लव यू, सारे दोस्तों को मेरी तरफ से लव यू। और एक दो बातें करना चाहता हूँ पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तानियों मैं एक बात बता देना चाहता हूँ पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा ये बात कर रहे हैं, लाइव भी आ रहे हैं, वीडियोस भी बना रहे हैं पठान भाई के पीछे कि उनको पठान भाई का एक रिप्लाई मिल जाए, पर बेटा रिप्लाई नहीं मिलेगा तुम लोगों को पाकिस्तानियों देख ले पाकिस्तानियों तुम लोग अपनी औकात, एक पठान ने पूरे पाकिस्तान पे आग लगाई हुई है, कैसे उछल रहे हो तुम लोग, पूरा यूट्यूब भरा है तुम लोगों से वीडियो बना बना के, थक जाओगे तुम लोग, पर पठान भाई थकेगा नहीं मेरे भाई अच्छा कुछ बेवकूफ़ पाकिस्तानी कहते हैं कि यह पठान मुसलमान नहीं, या मुसलमान का नाम बदनाम कर रहा है, और इसने मोदी जी से पैसे लिए हुए हैं और इंडिया वालों से पैसे लिए हैं, जब भी ये पाकिस्तान को बुरा भला बोलता है और ये पाकिस्तान हिंदुस्तान से पैसे लेके ये काम करता है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या छोड़ते रहते हैं यार एक बात बता देना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान के भाइयों बहनों, यार ये पाकिस्तानी लोगों का अकल कहाँ है, ये इनका अकल यहाँ होता है या नीचे होता है यार मुझे लग रहा है इन लोगों के पास अकल है ही नहीं, अगर थोड़ी बहुत भी है वो भी कहीं और पे है अच्छा आप लोगों को शर्म नहीं आती पाकिस्तानियों, जो आप लोग कहते हो कि पठान भाई ने हिंदुस्तान से पैसे लिए, पैसे किसने लिए मेरे भाई, पैसे तो तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर ने लिए जो कटोरा लेके भीख मांग रहा है शर्म मगर तुमको आती नहीं पाकिस्तानियों, शर्म तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर अरब ममालिक में जाके जोली पहला के भर दे जोली, हे हे भर दे जोली मेरी अरब के शहजादो, मैं आया हूँ बड़ा दूर से पाकिस्तान से और फिर वहीं पे जाके यही गाना गाते हैं, हम एक नंबर के भिखारी हैं अरब अरब के यारो शर्म करो पाकिस्तानियों, तुम लोग खुद मुझे एक ऐसा पॉइंट देते हो कि मैं उस पॉइंट पे बात करूं, तुम लोग पैसों की बात कर रहे हो कि पठान भाई ने हिंदुस्तान से पैसे लिए हैं और मोदी जी से पैसे लिए हैं पठान भाई ने, जब ये पाकिस्तान के पीछे बातें कर रहा है। अरे मेरे दोस्त, अगर मैंने पैसे लिए भी हैं, पहले सबसे पहली बात तो ये है कि मैं पैसों के लिए बातें नहीं करता, न मैं पैसों के लिए लाइव आता हूँ, न मैं पैसों के लिए बातें करता हूँ, मैं एक हकीकत बताने वाला हूँ, मैं एक हकीकत बोलने वाला हूँ, हकीकत सुनने वाला हूँ, हकीकत लिखने वाला हूँ। पैसा इतना हर चीज़ नहीं होती दुनिया में, पैसा सब कुछ नहीं होती, प्यार मोहब्बत लव ये सब कुछ होता है। ये देख लो पाकिस्तानियों, शर्म के मारे तुम लोग, पानी तो है नहीं, चिल्लू भर पानी भी नहीं है, तुम लोग किसी नाले में डूब के मर जाओ, ये देख लो ये मेरे हिंदुस्तान के भाइयों बहनों का प्यार, ये देखो इनका प्यार, शर्म तुमको आती नहीं पाकिस्तानियों। अच्छा एक बार और बता दूं पाकिस्तानियों के, तुम्हारे जख्म पे थोड़ा सा नमक और लग जाए मेरे भाई, वाला मजा आता है यार, वाला मजा आता है अगर मुझे पैसे मिल भी जाए ना बेटा, तो उन पैसों का हार बना के गले में डालूंगा मैं, गले में, और फिर लाइव आके तुम्हें दिखाऊंगा कि देख ये पैसे मिले मुझे अगर तुम लोग इतने बेशरम हो सकते हो, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर इतना बेशरम हो सकता है, जो नवाज शरीफ की सरकार में बड़े लंबे लंबे छोड़ रहा था कि हमें शर्म आती है जब हमारे प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे मुल्क से जाके भीख मांगते हैं, और जब कोई किसी को पैसा देता है तो इज्जत भी चली जाती है, तो मेरे भाई आज वही बंदा जो लंबी लंबी छोड़ रहा था